कांगड़ा जनपद की मशहूर शक्तिपीठ बगलामुखी मंदिर संचालन ट्रस्ट ने कोरोना के इस काल में एक बार फिर से सराहनीय कदम उठाते हुए गरीबों की भलाई का काम किया है। मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन और मंदिर के महंत रजत गिरी की अगुवाई में उनकी टीम ने शाहपुर के दलगोला पंचायत में आकर यहां के गरीब लोगों को उनकी मूलभूत जरूरतों से संबंधित साजो सामान वितरित किया। महंत रजत गिरी के ओर से पंचायत दरगोल की प्रधान भारती देवी की अगुवाई में पंचायत के उन लोगों को राशन और जरूरी जीवन रक्षक दवाइयां मुहैया करवाई गई जिनके परिवार में आज भी चूल्हा मुश्किल से जलता है और इलाज के लिए परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। प्रधान भारती देवी ने बताया कि उन्हें मिली जानकारी थी कि बगुलामुखी मंदिर ट्रस्ट बड़े स्तर पर गरीबों के उत्थान के लिए घर द्वार पर जाकर सेवा का कार्य कर रहा है, तो उनकी ओर से भी इस ट्रस्ट के सदस्यों के साथ संपर्क किया गया तो उन्हें भी ट्रस्ट की ओर से सकारात्मक सहयोग मिला और बकायदा गरीब तबके के उत्थान के लिए उन्हें न केवल राशन बल्कि मूलभूत दवाइयां, सैनिटाइजर और मास्क भी मुहैया करवाए गए। उन्होंने कहा कि अगर आगे भी जरूरत हुई तो वे लोग बेझिझक उनके साथ संपर्क करने का आश्वासन भी उन्हें मिला है। दरगेला पंचायत के आज बगलामुखी ट्रस्ट के जो महंत श्री रजत जी हैं, उनको मैंने सोशल मीडिया पर गरीबों की आर्थिक सहायता करते हुए देखा था, तो मैंने उनको कॉल करी कि ऐसे ऐसे हमारे भी जो गरीब हैं जिनकी हम मदद तो कर रहे थे लेकिन कुछ वजह से थोड़ा नहीं हो पाया, तो मैंने उनको फोन किया, उन्होंने तुरंत ही उत्तर दिया कि जी हम उनकी सहायता के लिए तैयार हैं। और जो भी वो ये कहा कि जो भी ट्रस्ट के द्वारा जो भी आर्थिक सहायता, दवाइयाँ, राशन वगैरह जो भी है उन वो प्रोवाइड करवाएंगे हम। वो आ गए? हाँ जी आ गए हैं, अभी आ गए हैं, अभी आगे का प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। उन्होंने जो भी कहा मतलब कि जो भी आर्थिक सहायता देंगे वो 30 परिवार हैं लगभग। बात बेंच के साथ हमने ये डिसाइड करा कि जो रह गए हैं उनको जो राशन पानी दवाई वो प्रोवाइड करवाने की उन्होंने हमसे वायदा करा है। मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन महंत रजत गिरी की माने तो कोरोना के इस काल में मंदिर के कपाट बंद है, ऐसे में जो टनों के हिसाब से मंदिर के अंदर भंडारे के लिए राशन की खपत होती थी आज वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है, ऐसे में वो राशन क्यों ना गरीब लोगों को उनके घर द्वार पर बांटा जाए। इसी मंशा को लेकर बीते 2 साल से हम लोग घर द्वार जाकर राशन वितरित कर रहे हैं। अब तो पंचायत से भी फोन आने शुरू हो गए हैं, जहां से भी लोग उनके साथ संपर्क करते हैं वे वहां पहुंच जाते हैं और वहां के पंचायत प्रतिनिधियों की अगुवाई में गरीब लोगों को नर सेवा नारायण सेवा के तहत ये सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं। तो आप सभी भाइयों का, भक्तों का और माँ के आशीर्वाद से जब तक चलता रहेगा तो माँ चलाती रहेंगी और हमारा भी यही लक्ष्य रहेगा कि जितने भी माँ के भक्त हैं, श्रद्धालु हैं या कोई गरीब परिवार से हैं तो उनकी मदद जो है दिन प्रतिदिन हम करते आए हैं और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि निरंतर हम ये प्रयास करते हैं। जैसे जहाँ से फ़ोन आता है पहले तो हम अपनी टीम भेजते हैं उनके पास, तो फिर उनसे हमें पता चलता है कि क्या क्या उनकी ज़रूरतें हैं, पहले तो हम ये पूछ लेते हैं, फिर हम अपने ट्रस्ट में देखते हैं कि हमारा ट्रस्ट जो है क्या प्रोवाइड कर सकता है। तो समय के अनुसार मैक्सिमम हमने राशन का, सैनिटाइजर का, मास्क का ये कार्य कर रहे हैं, तो आगे से जैसे जैसे वो जो लोकल पंचायत के प्रधान होते हैं या वार्ड पंच होते हैं उनसे हम मिलते हैं तो जो उनकी भी डिमांड होती है, कई बार कुछ कहते हैं, कई बार हम कंबल देते हैं, कई बार हम शॉल्स देते हैं, कई बार हम सर्दियों का, कई बार गर्मियों का, ऐसे करके हम जो भी है जो सामान जो है माता रानी की तरफ से, माता ट्रस्ट की तरफ से और अपनी तरफ से जो भी योगदान हो पाता है हम करते हैं।